चालू नहीं होगी। के लिए जहां पर लखनऊ का सामना होगा हैदराबाद से, आपको बता दें कि इससे पिछले मुकाबले में आपने देखा कि क्या जबरदस्त एक्शन देखने को मिला है इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग के ओपनिंग एनकाउंटर में, जहां पे फिलहाल इस समय लखनऊ स्वार्म का टीम लाइनअप आपकी स्क्रीन पे, अनिल कुंभक, अंकित पनिग्रही, अजिंक्य माने, गोपाल राम, हिमांशु गोदारा, जगजीत सिंह, जय वेंकटेश, रणबीर सिंह, साहिल ताया, शुभम राठी और टीम के कैप्टन हैं सुनील राठी, जबकि विकास सिंह और विनय कोठारी ये आपको नजर आएंगे लखनऊ टीम में। और फिलहाल लखनऊ टीम तैयार है इस समय हैदराबाद को चुनौती देने के लिए इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग के प्री सीजन में। आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला, आज ओपनिंग डे है इस इनॉग्रल एडिशन में, लखनऊ वर्सेज हैदराबाद हूप्स। तो इस नियॉन ग्रीन कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं लखनऊ स्वार्म, जबकि ब्लू जर्सी में नजर आएगी हैदराबाद हूप्स। हैदराबाद के कैप्टन हैं राजन, जबकि लखनऊ के कैप्टन हैं रणवीर। जंप बॉल, पिछले मुकाबले में जबरदस्त टक्कर देखने को मिली थी चंडीगढ़ कॉन्करर्स वर्सेस दिल्ली डोमिनेटर्स के बीच में, जहां पर 74-73 के स्कोर के साथ दिल्ली डोमिनेटर्स ने अपने ओपनिंग एनकाउंटर में जीत हासिल की। उन्होंने चंडीगढ़ कॉन्करर्स को हराया और फिलहाल यहां पे शुरुआत हो चुकी है इस मुकाबले की। बॉल पोजेशन के साथ इस समय है लखनऊ, तेजी से अंदर आने की कोशिश और ये एक ईजी लेअप, पहले दो पॉइंट्स लखनऊ के अकाउंट में। अपना खाता बहुत आसानी से खोल दिया है लखनऊ ने। विकास आगे आने की कोशिश, यहां पे मिस पास, चलिए यहां पे बॉल पोजेशन वापस ले आए हैं मुकुंद ने, पास दिया है, अंदर आने की कोशिश है हैदराबाद हूप्स, हूप ट्राई करने की कोशिश। कम से कम उन्होंने अपने लिए एक फाउल निकाल लिया है, उन्होंने ओपोनेंट को इनवाइट किया कि आइए एक फाउल कीजिए ताकि मुझे मौका मिले फ्री थ्रो लाइन के पास जाने का। और इस समय फ्री थ्रो लाइन पर हैं मनदीप, नो कन्वर्जन, पहला फ्री थ्रो जो है उन्होंने मिस कर दिया है। जर्सी नंबर 30 मनदीप, टीम हैदराबाद के लिए, और ये पहला पॉइंट हैदराबाद के स्कोरबोर्ड पर। लॉन्ग पासेस के साथ एक बार पेंट में एंट्री, ऑफिशियल का विसल, फिलहाल पोजेशन बना रहेगा। साइडलाइन पर इस समय लखनऊ, अपनी टीम के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी, टीम के सेंटर हैं, वापस पास दिया है। तो लगातार ये दूसरा मौका है जब लखनऊ ने अपने ही जोन में पोजेशन गवा दिया है। हैदराबाद हूप्स के कैप्टन इस समय रंजन आगे जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल बॉल के साथ में है टीम के प्ले मेकर पृथ्वी। काफी लॉन्ग अटेम्प्ट था,
ये इजी ले अप उन्होंने कोई भी रिस्क नहीं उठाया है और शुरुआत काफ़ी धीमी है मुकाबले की, जैसा कि पिछले मुकाबले में भी हमने यही देखा था कि स्लो स्टार्ट, लेकिन जैसे जैसे मुकाबला अपने अंतिम क्वार्टर में पहुंचा वहां पर ज़बरदस्त टक्कर देखने को मिली थी दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में। राजन इस समय बॉल के साथ टीम के कैप्टन है, मनदीप को पास दिया है, मनदीप ने लॉन्ग रेंज अटेम्प्ट किया है, थ्री पॉइंटर्स के लिए वो प्रयास था लेकिन नो कन्वर्जन दिस टाइम। अजिंक्य इस समय बॉल के साथ, विकास को अंदर निकालने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन पास यहां पर रिसीव किया टीम के सेंटर ने, अपनी टीम के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी जर्सी नंबर 29, चलिए कम से कम फाउल निकाल लिया है और अब उनके पास मौका है फ्री थ्रोस को कन्वर्ट करने का। बिश्नोई इस समय हैं फ्री थ्रो लाइन पे, अपनी टीम के सबसे लंबे कद के खिलाड़ी तो हैं ही, साथ ही साथ सबसे एक्सपीरियंस्ड खिलाड़ी भी हैं, लखनऊ के लिए एक एडवांटेज बन सकते हैं आज हैदराबाद हुप्स के खिलाफ। बॉल रोटेट करने की कोशिश, मनदीप, ये एक बढ़िया अटेम्प्ट, तीन पॉइंट हैदराबाद हुप्स के नाम। अजिंक्य तो लगातार लॉन्ग रेंज शॉट्स जो है देखने को मिल रहे हैं, थ्री पॉइंट्स के लिए लगातार अटेम्प्ट कर रहे हैं पृथ्वी, मनदीप, हिमांशु इस विनय को इंटरसेप्ट करने की कोशिश की थी पृथ्वी ने लेकिन बॉल को बचाए रखा है विनय ने। एंड लाइन से ये पास देंगे, बिश्नोई टू ऑन वन उनके ऊपर है, काफी स्ट्रॉन्ग डिफेंस उन पे लगाया गया है, उसके बावजूद देखिए वो कम से कम अपने ओपोनेंट्स को फाउल लेने के लिए इनवाइट कर पा रहे हैं और अटेम्प्ट कर रहे हैं कि आइए गलती कीजिए ताकि कम से कम मुझे तो मौका मिले फ्री थ्रोस को कन्वर्ट करने का। 7-6 का स्कोर, पहला क्वार्टर इस समय चल रहा है इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग में, ये दूसरा मुकाबला आज के दिन का। पहले मुकाबले में दिल्ली डोमिनेटर्स ने जीत हासिल की है, उन्होंने चंडीगढ़ कॉन्करर्स को हार का सामना कराया। तेजी से आगे आने की कोशिश टीम के कैप्टन राजन इस समय, काफी दूर से उन्होंने शॉट लिया है, हैदराबाद हुप्स के पास अभी भी मौका, गौतम इस बार अटेम्प्ट के लिए प्रयास के लिए, फ्लिक अच्छा किया था लेकिन क्लिक नहीं हुआ। ये लॉन्ग पास है, ये कन्वर्जन होना ही चाहिए लेकिन मिस कर दिया है, थोड़ा सा अर्ली, थोड़ा सा जल्दबाजी दिखाई उन्होंने, उनके पास अपॉर्चुनिटी थी लेकिन कन्वर्ट नहीं की और वहीं लखनऊ ने उनको जवाब दिया है कि आपने मिस कर दिया लेकिन हम कन्वर्ट जरूर करेंगे। लगातार वो शॉट के जरिए लेअप के लिए अटेम्प्ट किया है और आखिरकार उन्होंने फाउल ले लिया है, तो फ्री थ्रो और फ्री थ्रो लाइन पे इस समय पृथ्वी, 11-8 का स्कोर है, तीन पॉइंट्स की एडवांटेज इस समय है लखनऊ स्वाम के पास में हैदराबाद हुप्स के खिलाफ। अजिंक्य एक अच्छा पास दिया है उन्होंने टीम के सेंटर बिश्नोई को, उन्होंने काफी ऊपर जो है पास पकड़ लिया था, यानी कि ये एडवांटेज जो टीम का सेंटर है आपकी टीम में सबसे
ज़्यादा हाइट उनके पास में है वो आपके लिए एक एडवांटेज बन सकते हैं, स्पेशली वो बास्केट के नीचे पेंट के अंदर। यहाँ पे टेक्निकल टाइम आउट, ऑफिशियल्स वहाँ पे थोड़ा सा चेक करने की कोशिश कर रहे हैं। फिलहाल जो है आज के दिन का ये दूसरा गेम हम आपको बता चुके हैं शुरू हो चुका है। पहला क्वार्टर इस समय चल रहा है और 2 पॉइंट्स की लीड पर है लखनऊ इस समय। तो यहाँ पर मौका बन सकता है इस समय लखनऊ के लिए, क्योंकि उनके पास में बॉल का पोजेशन तो रहेगा और जैसा कि हमने बताया कि टीम के सेंटर उनके पास काफ़ी एक एडवांटेज है इस समय। बिश्नोई पर देखिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग डिफेंस लगाने की कोशिश लगातार की जा रही है, अंदर आने का प्रयास और ये जो है कन्वर्जन के लिए अटैम्प्ट तो किया लेकिन उन्होंने वहाँ पर उन्होंने फाउल लेने में सफलता हासिल कर ली है। अजिंक्य इस समय फ्री थ्रो लाइन पर, जर्सी नंबर 95 अजिंक्य, ये पहला फ्री थ्रो और कन्वर्ट किया उनके लिए इस खेल में ही, इस मुकाबले में ही पहला मौका था कन्वर्ट करने का फ्री थ्रो लाइन से। 14-9 का स्कोर है, यानी कि लखनऊ जो है पकड़ थोड़ी सी मजबूत करता नजर आ रहा है। राजन जो कि टीम के कैप्टन है, ये अच्छा प्रयास है, वेट किया, बैलेंस किया और उसके बाद ये शॉट लिया। काफी टफ शॉट होता है ये लेना, लेकिन राजन टीम के कैप्टन है। फोर्टीन एलेवन का स्कोर और जैसा कि हमने जब पिछला मुकाबला देखा था दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में तो काफ़ी स्लो स्टार्ट हुआ था, काफ़ी स्लो स्कोरिंग था पहले क्वार्टर के दौरान, लेकिन यहां पर ये मुकाबला काफ़ी तेज़ी से शुरू हुआ है और 14-11 का स्कोर हमें देखने को मिला है पहले ही क्वार्टर के दौरान। और एक बार फिर जो है विकास इस समय फ्री थ्रो लाइन पर है लखनऊ के लिए। तो स्टालिन जैसे दिल्ली और चंडीगढ़ के बीच में मुकाबला जैसे जैसे अगले क्वार्टर में एंटर होता गया वैसे वैसे और कड़ा और टफ होता गया, लेकिन यहाँ पर हैदराबाद और लखनऊ के बीच में एक अच्छी और शानदार शुरुआत हुई है। Absolutely, and remember friends, like you've already seen, Lucknow currently they're in the driver's seat. Love the way they're going about their business. Top names there, Gopal Ram, aka Bishnoi, that's what he likes himself to be called. Remember, he's one of the oldest players in the team, but remember, he's a legend. He's put his body on the line all these years, dedicatedly for the game of basketball. And nevertheless, he's been given an opportunity by the Elite Pro Basketball League to come forward and try and perform once again at this age. Remember, it's just a number. That's what we say, and it's never too late to always start. They have some top names there. Vikash, so someone who we've always seen there for the Lucknow Swarms. Now remember Ajinkya Mane, remember his brother as well, Ranjit Mane, they were in the same team, but one of them had to be traded because there was an inquiry. There was a team that wanted Ranjit Mane, and you saw him play for the Chandigarh Conquerors prior to this. So Ajinkya, then he's not having his brother in this team, but nevertheless he has good set of players. Himanshu, remember Shivam Rathi, the captain of the team, has not been able to make it here, and he's still a player that will be watched out for. A first time out here that's been taken by the Lucknow Swarms. Remember friends, we're coming back with live action in a matter of few seconds. Stay tuned and don't go away.
We've been speaking about the Remember, we've been speaking about the teams, and one team in blue, they have some big stars there. Arvind Kumar, Gautam Korla. Remember, he's one of the players who was playing for the Ahmedabad Aces. You notice the last time, that's the team he was signed for, but he has been traded. They also have Mandeep Singh Jr., a fine talent. Something to watch out for. The captain, of course, Ranjit. And not forgetting Prithvi Reddy, another top name there for the Hyderabad Hoops. You know, the Hoops will want to try and keep their possession, keep their momentum in this game as much as possible. 17-20 currently the score. Praveen Kumar, end line throw in for him, straight to Gautam. Great coordination there. Mandeep Singh Jr. Gautam's coming in, the screening, as you can see, trying to get through Bishnoi. He's a huge man there, but still does. Mandeep Singh Jr., that's the talent we've been talking about. And it's the second time he's been amongst the scheme of things. Great movement here once again. Continuous passing, Lucknow Swarms. Ajinkya Mane, all the way from Maharashtra. He takes another one for the Lucknow Swarms. Gets it basket here. Mandeep Singh Jr., good passing here. Rotational play. Prithvi Reddy right in the center. This is good. Mandeep Singh Jr., another basket. Three-pointer here for him. And finally, the Hyderabad Hoops are now turning on the heat. They want to try and come back, like I mentioned to you. 22 all it is. And still 4 minutes remaining in this quarter. The fight is on here. Continuous aggression. And the point will still come, assuming that's come right after the whistle here. So the bucket will be counted. Yes, says the official. One free throw that's been awarded. And it'll be fantastic to see how they go about their business. Ajinkya Mane. Remember, his brother performed really well in the last game for the Chandigarh Conquerors. It's 22 all currently. They've already got those 2 points. Stolen on the rebound. Rajan. Straight away to Prithvi Reddy. He's fast and fierce. Great move and a point. Getting past his opponent in a nice fashion. And you cannot stop a man like Prithvi Reddy. One of the top names. Remember, he wanted to play for the southern teams, and he's representing his state team actually. Hyderabad has never really had the opportunity to play for Hyderabad in any league whatsoever, but this is the first time he's had that chance and opportunity for him. And a free throw currently. 24 all. Prithvi Reddy. Again, once again on the rebound. Fade away and points here. Praveen Kumarsi, he joins the party as well. Lots of work to do here for Lucknow. They've kept it tight all this while. Great movement there from Shubham. And a foul here that's been called against him. We're getting to see some brilliant turns, brilliant moves here on the court. A switch here, back to back. And here it is, free throw. Fails to convert that the first time. Has to try and do better here. Lucknow will not get this time, but Prithvi Reddy, he doesn't want to stop. Mandeep Singh Jr. Oh, brilliant three-pointer. He's been at his best almost every time now. And look at the conversion rate. Keeps getting better and better for this young talent. Remember, we have also Mandeep Singh, a senior who's playing for a different team. But today and currently, this is the highlight for Mandeep Singh Jr. Praveen Kumarsi. Oh, lovely rotational play. Korla Gautam misses that. Remember, he has an injury on his leg all by himself. Two more points. Lucknow, they caught napping here. A little bit lazy and lousy. And straight away, the head coach, Mr. JP Singh,
He knows there's some talking to be done. There is a short timeout. We'll be back with live action in a matter of few seconds. तो सेकेंड क्वार्टर की शुरुआत और 31-27 से हैदराबाद ने पहले क्वार्टर में समाप्ति की है, जहां पर लखनऊ ने काफ़ी तेज शुरुआत की थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही पहला क्वार्टर अपने एज पर गया तो हैदराबाद ने शानदार वापसी करके बढ़त हासिल कर ली है। दूसरा क्वार्टर इस बार भी हैदराबाद हूप्स, आप देख सकते हैं ब्लू में,
राजन ने वापस पास दिया है मनदीप सिंह जूनियर और अंदर आने की कोशिश, ड्राइविंग किया वो शॉट और टू पॉइंट्स अपने अकाउंट में और ऐड कर दिए। काफ़ी स्किलफुल है मनदीप और जो एक प्ले मेकर या फिर गेम प्लानर के अंदर जो क्वालिटी होनी चाहिए वो साफ उनकी बॉडी लैंग्वेज में नज़र आती है, वो कॉन्फिडेंस उनमें साफ नज़र आ रहा है जो हैदराबाद के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हो रहा है। यहाँ पे जंप शॉट के जरिए पॉइंट निकालना चाहते थे लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं है। साइडलाइन से कोच की भी आवाज आई है कि ऐसी गलतियां मत कीजिए क्योंकि आपने अपने विपक्षी को मौका दिया है बराबरी पर आने का, फिर आपसे आगे निकलने का, और फिलहाल मौका है अजिंक्य के लिए। अजिंक्य इस समय पास दिया है अंदर उन्होंने बिश्नोई को, सेंटर है 2-on-1 लेकिन ये कन्वर्जन सेंटर को अगर अच्छे से यूटिलाइज करेंगे लखनऊ तो उनके पास मौके लगातार बन सकते हैं। बाहर से ही लॉन्ग रेंज शॉट, अजिंक्य इस समय बॉल के साथ अपना मैन ढूंढने की कोशिश, एक अच्छा पास है बिश्नोई के लिए, ये अंदर आए हैं और चलिए उन्होंने फाउल निकाल लिया है, दो डिफेंडर्स ने उन पर चढ़ने की कोशिश की थी। 33-29 का स्कोर है लखनऊ के, बिश्नोई इस समय फ्री थ्रो लाइन पर। ओ ये पहला मिस, चलिए दूसरा फ्री थ्रो उन्होंने कन्वर्ट कर लिया है और लखनऊ को एक और पॉइंट दिला दिया। राजन इस समय बॉल के साथ में वापस बैक पास दिया उन्होंने प्रवीण के लिए, प्रवीण इस समय कोर्ट पर आए हैं, उनको सब्स्टिट्यूट करके लाया गया है और ये पास, ये एक बेस्ट एंगल है थ्री पॉइंट लेने का क्योंकि वहाँ से सिर्फ रिम आपको दिखाई देता है, आपको बोर्ड नहीं दिखाई देता, और आप अगर 0 डिग्री एंगल से कन्वर्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको फायदा मिल सकता है। अपना बॉल पोजेशन गवा दिया है बिना ऑफेंस के, बिना अटैक बनाए लखनऊ ने, 6 पॉइंट्स की एडवांटेज पर इस समय हैदराबाद हूप्स। एंड लाइन से थ्रो का मौका मिलेगा हैदराबाद हूप्स को, तो यानी कि मूव बनाने का या गेम प्लान करने का मौका होगा हैदराबाद हूप्स के पास। जर्सी नंबर 6 में पृथ्वी हैं जबकि जर्सी नंबर 0 में आप देख सकते हैं टीम के कैप्टन हैं राजन। और मुकाबले से पहले जब हमारी बातचीत राजन से हुई तो उन्होंने कहा था काफ़ी कुछ तैयारियों के साथ उतरेंगे मैदान पर लखनऊ के खिलाफ। अजिंक्य बॉल लगातार बनाए रखा और खुद ही गए हैं उस अटेम्प्ट के लिए, मनदीप सिंह वंडरफुल पास लेकिन उस पास को देने के समय उन्होंने गलती की और पोजेशन गवा दिया है। अजिंक्य, अजिंक्य को माफ करने की कोशिश पृथ्वी की, ये बढ़िया इंटरसेप्शन इस बार देखने को मिला है। एक बार फिर से मनदीप सिंह जूनियर के अकेले अटेम्प्ट के लिए जाएंगे या फिर पृथ्वी, एक बढ़िया रोटेशन जो है देखने को मिली है लेकिन उसके बावजूद लगातार ये दूसरा प्रयास था हैदराबाद हूप्स का जब उन्होंने अपने ऑफेंस के दौरान पोजेशन गवा दिया है। लॉन्ग पास 45 पे और 45 से अटेम्प्ट, यहां पर कोई कन्वर्जन नहीं आया है। पृथ्वी राजन वापस बैक पास पृथ्वी के लिए, मनदीप सिंह जूनियर एक बढ़िया बॉल मूवमेंट, एक बढ़िया बॉल रोटेशन लेकिन थोड़ा सा जल्दी उन्होंने दिखाई है। गौतम के पास वापस बॉल, मनदीप सिंह जूनियर बॉल के साथ वहां स्क्रीन फिक्स करने की कोशिश तो मुकुंदे की थी लेकिन कामयाबी नहीं मिली और आखिरकार
कन्वर्जन और एक फ्री थ्रो उन्हें यहां मिलना चाहिए, 2+1 यहां पर हो सकता है उनके लिए, मुकुंद के लिए। रणबीर जो है लखनऊ के कैप्टन इस समय कोर्ट से बाहर जा रहे हैं और बिश्नोई जो हैं वापस आए हैं डिफेंस को और मजबूती देने के लिए। अड़तीस 32 का स्कोर है। जी हां, 2+1 तीन पॉइंट हैदराबाद हुप्स के लिए। विकास बिश्नोई को ढूंढा, बॉल रिसीव किया है बिश्नोई ने, वहां पर अंदर आने की कोशिश और वापस बॉल बाहर निकाला है डीके। लॉन्ग अटेम्प्ट, काफी लॉन्ग रेंज शॉट था ये। दूसरा क्वार्टर, पहले क्वार्टर में 31-27 का स्कोर था। हैदराबाद हुप्स जो है उन्होंने 31 पे फिनिश किया था, लखनऊ ने 27 पॉइंट्स पे फिनिश किया था, लेकिन अब स्कोरबोर्ड देखे हैदराबाद ने 42 पॉइंट्स पर वो पहुंच गए हैं। थोड़ी सी तेजी दिखाई और मिस कर दिया बॉल के लिए वहां पे चीना झपटी, क्योंकि ये पोजेशन इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता था। तो पहले क्वार्टर में बेशक हैदराबाद हुप्स के पास सिर्फ 4 पॉइंट्स की लीड रही हो, लेकिन अब उन्होंने अपनी लीड को और स्ट्रेच किया है, 42-32 यानी 10 पॉइंट की बढ़त हासिल कर ली है हैदराबाद हुप्स ने लखनऊ के खिलाफ अपने इस आज के दिन के अपना पहला मुकाबला खेल रही है दोनों टीम। लेकिन एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग का ये दूसरा गेम आज के दिन का ओपनिंग एनकाउंटर जो था वो खेला गया दिल्ली डोमिनेटर्स वर्सेस चंडीगढ़ कॉन्करर्स, जहां पर दिल्ली डोमिनेटर्स ने अपने ओपनिंग मैच में जीत हासिल की। बिश्नोई और कन्वर्जन इस बार, दो और पॉइंट लखनऊ के लिए। बस आप बिश्नोई तक बॉल पहुंचा दीजिए, उसके बाद आपको कन्वर्जन देखने को मिलेगा। यहां पर ओपोनेंट को डॉच किया है, पूरी तरह से छका दिया ओपोनेंट को, और उसके बाद ये दो पॉइंट अपने नाम कर लिए हैदराबाद हुप्स ने। विकास इस समय बॉल रोटेशन के लिए जगह ढूंढते हुए अंदर आने की कोशिश, पेंट में आए थे। बिश्नोई एक बढ़िया पास उन्होंने दिया है, एक्सपीरियंस इसे कहते हैं,
गौतम। अपने डिफेंडर को ऑफ पोजीशन करने की कोशिश वहां पर जरूर की है विनय ने। विकास जब भी वो पेंट में अंदर आने की कोशिश करते हैं तब वो चाहते हैं कि वो फाउल जरूर लें ताकि कम से कम टीम को मौका मिले फ्री थ्रोज लेने का। एक टैक्टिकल प्ले का अटेम्प्ट लगातार किया है विकास ने। बिश्नोई इस समय वहां पे अजिंक्य हिमांशु ने उनके लिए स्क्रीन सेट किया था। पृथ्वी प्रवीण विकास डिफेंसिव रीबाउंड लिया है। मौका अब फिर से एक बार बन चुका है लखनऊ के लिए। चलिए किस्मत ने साथ दिया है। एक अच्छा प्रयास था हिमांशु का। कुछ ऐसे ही अटेम्प्ट्स की उन्होंने कोशिश की है पिछले कुछ एक्शंस के दौरान और आखिरकार उन्हें सफलता मिल ही गई। टेक्निकल टाइम आउट वहाँ पर और जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है वो हमें हम उन्हें ज़रूर बताना चाहेंगे कि इस समय जो मुकाबला चल रहा है वो है लखनऊ स्वॉर्म और वो के बीच और हैदराबाद हुप्स के बीच में, जहाँ पर आप देख सकते हैं साफ कि हैदराबाद हुप्स ने बढ़त अपनी बनाई हुई है। शुरुआत से ही उन्होंने बढ़त अपनी बना रखी है। पहले क्वार्टर में उन्होंने 4 पॉइंट से समाप्ति की थी 31-27 से और इस समय 5 पॉइंट की लीड पर। पृथ्वी मनदीप सिंह जूनियर वहां स्क्रीन सेट करना चाहते हैं उनके लिए गौतम, लेकिन रेफरी का कॉल एक वॉयलेशन और ये पोजेशन गवा दिया है अजिंक्य। बिश्नोई एक बार फिर अजिंक्य बिश्नोई इन दोनों के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन बढ़िया इंटरसेप्शन इस बार तेजी से। ये स्कोर होना ही चाहिए। जी हाँ, ये कन्वर्जन बनता था क्योंकि जिस तरह से उन्होंने बॉल निकाला उसके बाद ओपन कोर्ट ऑपोजिशन में कोई भी डिफेंडर नहीं, ओपन बकेट और मनदीप का वो कन्वर्जन। जितना ही लखनऊ अपने पेस को डाउन करने की कोशिश करते हैं उतना ही पेस और स्पीड के साथ जवाब देती है हैदराबाद हुप्स और उसका सबसे बड़ा श्रेय जो जाता है वो जाता है मनदीप सिंह जूनियर को। जिस तरह का उन्होंने खेल दिखाया है दोनों क्वार्टर्स के दौरान वो काबिले तारीफ है स्टालिन। That's been the story then so far. Remember, we've seen some great attempts, some great moves from all of them, and some brilliant basketball altogether. See some big names there. Prithvi Reddy, he got this beautiful basket in the right manner. Mandeep Singh, what can we say about him? He's almost bagged at 3 three-pointers. The conversion rate has been brilliant. Almost every ball that's gone out of his hand has gone into the basket. So that's an important thing to note. Once again, here he's been in the front lines, channeling the energy, marshalling the entire squad. And Mr. JP Singh and company will find themselves in a spot there for Team Lucknow. On the other side, we also have Sir Zurawar, the two animated coaches, two top coaches in the Indian
basketball fraternity that we've heard of, that have been spoken about. 49-42. 49 to Hyderabad, or 42 to Team Lucknow. There's so much to play for. We'll wait and find out which way this game swings very quickly. Hyderabad, remember, like we mentioned, they've been excellent, brilliant, always on the money. And there you go, things kickstart once again. Prithvi, Ranjan, Vikapar and Rajan there, they're playing really well. And always targeting those three-pointers. Nevertheless, Mandeep Singh Jr., he has got a magic touch this evening. And Ajinkya Mani on the other side. He wants to do the same. Oh, Vinay Kothari not able to get it in the basket. Nevertheless, on the rebound, Prithvi Reddy straight away for Mandeep, who still manages to back that. This is brilliant basketball. Great movement. Interception from Ajinkya. Gopal Ram and Ajinkya now. Prithvi Reddy. And that's the pace. That's what will keep happening. At every point and every minute, the tempo will keep changing. Sometimes fast, sometimes slow. Straight away, instructions from JP Singh. Vikash using his strength, using his body to his utmost comfort. Prithvi Reddy once again. Oh, lovely interception. Vinay Kothari all by himself. Is he going to pass? No, he does not. Ajinkya on the rebound. Trying to get that steal, trying to get that point. 47-51. It's been a tight encounter here, but remember, Hyderabad, they've been the better team, they've been the better side. You can see the quality, you can see the finesse with which they're playing. Free throw here that's been awarded. And a Lucknow Swarm, they really needed that. Assuming it's going to be Ajinkya Mani to take that free throw, or probably Gopal Ram, aka Bishnoi. Line there to take the free throw. And since the court is a bit wet, the officials are waiting for someone there to just get it as dry as possible, as quickly as possible. And I can see, as you can see, you don't want players to slip there on the court. Ajinkya Mani it is then for the free throw. Number 95, 47 year to Lucknow. He's going to miss the first one, miss chance. Keeping it very light and simple. You can see the body language there. It's not that great. Very orthodox. And bags another one, 48 to finish with. And with that, the end of the first half here. In the second match comes to an end. We've done dusted two quarters. We're going into the third and then the fourth quarter. I beg your pardon, it's a timeout that's been called. So we'll come back with live action quickly. Getting back then right off the timeout, it's 48-51. Once again, the high press here from Lucknow. Nevertheless, the men in blue, they managed to get over once again. Mandeep Singh Jr. controls the tempo, slows down the pace. He's taking his time. Looks very cool and in action. Good movement, good pass. Kurla Gautam does not get the basket. And a straightaway possession in favor of Team Lucknow.
तो मुकाबले के पहले हाफ की समाप्ति हो चुकी है और क्वार्टर नंबर 3 यानी तीसरा क्वार्टर शुरू हो चुका है। लखनऊ स्वान वर्सेस हैदराबाद हूप्स और 51-48 के साथ में समाप्ति की है हाफ टाइम पे। तो हैदराबाद हूप्स चाहेंगे कि वो इस बढ़त को मेंटेन करें। यहाँ पर एक डिफेंसिव रीबाउंड कलेक्ट किया और फिर उसके बाद में बॉल का पजर मनदीप सिंह जूनियर, इस बार लॉन्ग रेंज अटेम्प्ट फिर से उन्होंने प्रयास किया है थ्री पॉइंटर लाइन से। वो कभी भी नहीं चूकते हैं ऐसे अटेम्प्ट्स के लिए, चाहे कन्वर्ट हो या ना हो वो प्रयास जरूर करते नजर आएंगे इस थ्री पॉइंट लाइन से। मुकुंद इस समय पास दिया है पृथ्वी को, बॉल को थोड़ा सा होल्ड करने की कोशिश, अपने मैन को बाहर बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इशारा के स्क्रीन लगाना चाहते थे, वहाँ पर
अजिंक्य बिश्नोई के लिए पास आया, टू ऑन वन उनके ऊपर, दो डिफेंडर, लेकिन उसके बावजूद पृथ्वी जो है स्टील करने में कामयाब हुए हैं और ये ऑल आउट जाने की उनकी कोशिश। पृथ्वी ने बॉल निकाल तो ली और आखिरकार उन्होंने फाउल भी ले लिया है और अब मौका उनके लिए आ चुका है फ्री थ्रो लेने का। तो पहले क्वार्टर की समाप्ति के बाद 4 पॉइंट्स का डिफरेंस था, लेकिन अब दूसरे क्वार्टर यानी फर्स्ट हाफ के बाद में 3 पॉइंट्स का डिफरेंस है और अपनी लीड को स्ट्रेच करने की कोशिश यहां पर हैदराबाद हुक जरूर करेंगे। ये दूसरा फ्री थ्रो कन्वर्ट किया है पृथ्वी ने, अजिंक्य उनके सामने, उन्हें डिफेंड करने की कोशिश पृथ्वी की। व्हाट अ पास, क्या पास दिया था, लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं हुआ है। एक अच्छा पास वहां पर दिया था अजिंक्य ने विकास के लिए और खुद उसके बाद उन्होंने ये 0 डिग्री एंगल से कन्वर्जन किया। 3 और पॉइंट लखनऊ के अकाउंट में। जबरदस्त खेल का प्रदर्शन किया अजिंक्य ने, क्या प्ले मेकर अपनी टीम के, क्या गेम प्लान किया है उन्होंने और उसके बाद बैक टू बैक स्कोर भी किया है अपनी टीम के लिए। विकास इस बार तेजी से और बोर्ड शॉट के जरिए ये 2 आसान पॉइंट उनके लिए। जितनी देर में विपक्षी डिफेंस तैयार होता उतनी देर में तो उन्होंने अपना काम भी कर दिया। 53-52 अब लखनऊ जो है 1 पॉइंट से बढ़त पर आ गया है। मनदीप सिंह जूनियर डिफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट किया है, पास दिया है, लेकिन एक बढ़िया इंटरसेप्शन इस बार मुकुंद का। खाली है कोर्ट, खाली है चांस और गोल्डन अपॉर्चुनिटी। पृथ्वी इस अपॉर्चुनिटी को क्यों ही मिस करते, इतना सुनहरा मौका था, इसे तो कुक करना ही था। 54-53 एक पॉइंट यहां तो दूसरा पॉइंट वहां। एक टफ बैटल जो है अब नजर आने लगी है लखनऊ और हैदराबाद के बीच में, क्योंकि ये है क्वार्टर नंबर 3। कुछ ऐसा ही मुकाबला हमें देखने को मिला था दिल्ली वर्सेस चंडीगढ़ के बीच। इंटरसेप्ट करने की कोशिश की, वापस पास दिया है विकास को, अंदर आने की कोशिश की, अनलॉक किया है, उसके बाद 2 पॉइंट भी लिए। एक और पॉइंट उन्हें मिलना चाहिए फ्री थ्रो के लिए। क्या 2+1 उन्हें दिया जा, जी हां, वहां पर उनको फ्री थ्रो का मौका तो मिल गया है। फ्री थ्रो लाइन पे इस समय विकास, जी नहीं, सिर्फ 2 पॉइंट्स मिलेंगे, 2+1 का मौका उन्होंने गवा दिया, लेकिन अभी भी बॉल पोजेशन टीम के पास है। बिश्नोई ये चांस कहां से चूकते, इस अपॉर्चुनिटी से क्यों चूकते। प्रवीण अपने विपक्षी डिफेंस को डॉच करने की कोशिश, गौतम को उन्होंने पास दिया है, थ्री पॉइंट्स के एडवांटेज अब लखनऊ ने हासिल कर ली है। ये खेल है बास्केटबॉल का, इसमें कुछ भी कह पाना इतना आसान नहीं होगा क्योंकि आखिरी सेकंड तक भी काफी कुछ होने की पूरी गुंजाइश नजर आती है बास्केटबॉल में। और इससे पहले जो मुकाबला हमने देखा, क्या इंटरेस्टिंग मुकाबला था जब दिल्ली ने चंडीगढ़ को सिर्फ 1 पॉइंट से शिकस्त दी। ये एक बढ़िया पास है, कैप्टन वापस लौट कर आए कोर्ट पे राजन, वहां मुकुंद ने स्क्रीन लगाने की कोशिश की, अपने ओपन डिफेंस को थोड़ा सा पुश किया, बकेट के नीचे आए और 2 पॉइंट्स अपने लिए हासिल कर लिए। मुकुंद ने अभी ही पॉइंट लिया था और मुकुंद के ऊपर से ही हिमांशु ने पॉइंट निकाल लिया है 59-56, लेकिन अभी भी लखनऊ ने 3 पॉइंट की लीड गवाई नहीं है। राजन, मुकुंद, मुकुंद के सामने बिश्नोई, बॉल स्क्रीन करने की कोशिश, वहां पे इंटरसेप्ट,
लगातार बैक टू बैक अटेम्प्ट हुआ है लेकिन नो कन्वर्जन दिस टाइम। शुभम जो है इस समय आए हैं, वो चाहेंगे मनदीप पृथ्वी है मनदीप सिंह अपनी टीम के लिए अब तक उन्होंने सबसे ज्यादा स्कोर किया है और 3 पॉइंट लाइन से क्या इफेक्टिव और एफिशिएंट कन्वर्जन रेशियो उनका देखने को मिला है। पृथ्वी इस समय है फ्री थ्रो के लिए, नो कन्वर्जन। दोनों फ्री थ्रोज उन्होंने मिस कर दी हैं। हिमांशु ने पास दिया है एक बार फिर अजिंक्य, बॉल हैंडलर इस समय मूव बनाने की कोशिश, जगह ढूंढ रहे हैं, अपने प्लेयर को ढूंढा, वापस पास दिया, राजन ये एक बढ़िया पास है क्योंकि वहां पर ओपन कोर्ट और ये कन्वर्जन। कैप्टन ने अपनी पूरी सूझबूझ का इस्तेमाल किया, प्रवीण बिल्कुल खाली थे, उन्हें पास दिया और उसके बाद ये 3 पॉइंट हैदराबाद हुप्स के लिए। अजिंक्य हिमांशु विने के लिए स्क्रीन सेट करना चाहते हैं, वहां पे स्टील की कोशिश हैदराबाद हुप्स की ओर से, पोजेशन बचाने की कोशिश की थी लेकिन बॉल जो है एंड लाइन से बाहर हो चुका है। कोशिश अच्छी थी लेकिन फिलहाल इस समय काम नहीं आई है हैदराबाद हुप्स के लिए। अजिंक्य हिमांशु के लिए बॉल इस समय, लीजिए फाउल हो गया, बॉल का पोजेशन गवा दिया, ऑफेंसिव फाउल। पृथ्वी का ये अच्छा पास है, फिफ्टी नाइन के स्कोर के साथ इस समय इस तीसरे क्वार्टर में लखनऊ वर्सेस हैदराबाद। और विकास ये बॉल रोटेशन के लिए मैन ढूंढ, लेकिन ये क्या हुआ, ये मिस पास, गलत जजमेंट, और पृथ्वी को ये कन्वर्ट करना चाहिए था लेकिन ये अपॉर्चुनिटी मिस कर दी है आपने। एक बार फिर से राजन जो है 3 पॉइंट लाइन से प्रयास करते हुए सुनहरा मौका गवा दिया। विपक्षी की गलती को कन्वर्ट कर सकते थे लेकिन उन्होंने वो मौका कन्वर्ट नहीं किया है। बिश्नोई इस बार 2 पॉइंट्स के लिए और सफलता भी हासिल की है। टीम के काफी स्ट्रॉन्ग सेंटर और सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस खिलाड़ी, बकेट के नीचे रिबाउंड कलेक्ट करना हो चाहे वो ऑफेंसिव हो या डिफेंसिव, चूकते नहीं हैं। 61-59 मुकुंद प्रवीण, ये पॉइंट पहले ही जिस तरह से बॉडी लैंग्वेज थी लखनऊ की, लगता था कि वो आसान रहेगा हैदराबाद हुप्स के लिए। 61 ऑल, मुकाबला ये कड़ा होता जा रहा है, एक सी सॉ बैटल जो है देखने को मिल रही है लखनऊ वर्सेस हैदराबाद हुप्स के बीच में। लखनऊ स्वॉर्म वर्सेस हैदराबाद हुप्स, इस एलीट प्रो बास्केटबॉल लीग के प्री सीजन का ये दूसरा गेम है, आज के दिन का ये दूसरा मुकाबला है और ये कारवा, ये सफर जो है चलेगा 20 मार्च तक। और तैयार हो जाइए और भी ज्यादा एक्साइटिंग एक्शन के लिए जो आप लाइव देख सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ESI YouTube पर। EPB के ऑफिशियल पेज पर भी जाके आप ये लाइव स्ट्रीम देख सकते हैं, मुकाबलों का मजा उठा सकते हैं। और एक शुरुआत की गई है भारतीय बास्केटबॉल के लिए, एक बड़ी शुरुआत है कि यहाँ पर खिलाड़ियों को, बास्केटबॉल प्लेयर्स को
एक प्रोफेशनल लीग खेलने का मौका दिया जा रहा है। 16 टीम्स हैं, 4 कॉन्फ्रेंसेज में डिवीजन। फिलहाल मनदीप सिंह जूनियर तेजी से आगे निकलने की कोशिश, क्या अकेले जाएंगे, लेकिन पास दिया है, ये एक समझदारी थी लेकिन कन्वर्जन नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ना होगा, विकास बिश्नोई, विकास एक बार फिर, हिमांशु, एक बढ़िया बॉल रोटेशन जो है देखने को मिल रही है इस समय लखनऊ की ओर से। रणवीर जो है टीम में आए हैं, टीम के कैप्टन हैं। पिछले कुछ सेकंड्स के दौरान दोनों ही साइड से कोई भी कन्वर्जन नहीं देखने को मिला है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि डिफेंस कितना कड़ा हो चुका है। दोनों ही साइड से डिफेंस काफी स्ट्रांग हुआ है और फिलहाल मौका है बिश्नोई के लिए फ्री थ्रोज लेने का। रेसट एक्सेट का स्कोर, 2 पॉइंट्स के एडवांटेज पे इस समय लखनऊ, और बिश्नोई अपने फ्री थ्रो के लिए, ये एक आसान कन्वर्जन है, द वे ही फ्लिक हिज हैंड, साफ नजर आ रहा था कि ये कन्वर्जन होना ही चाहिए। चलिए, पिछले कुछ समय में उन्होंने अपने फ्री थ्रो के कन्वर्जन को भी काफी इंप्रूव किया है। मनदीप सिंह जूनियर इस बार बॉल बचाए रखा है, पास दिया है पृथ्वी को, वहां स्क्रीन लगाने की कोशिश गौतम की और कन्वर्जन। ये अच्छा मूव था जब उन्होंने ओपोनेंट डिफेंस को ऑफ पोजीशन किया, अपने लिए जगह बनाई और उसके बाद एक आसान 2 पॉइंट। बिश्नोई काफी हाई स्कोरिंग, जिस तरह से पहला मुकाबला था वो इतना ज्यादा स्कोर हमें तीसरे क्वार्टर के दौरान देखने को नहीं मिला था, लेकिन यहाँ पर जो है एक सीसॉ बैटल दोनों के बीच में है और आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं कि मुकाबले में जो स्कोर है वो कितनी तेजी से बदल रहा है। स्पीड की कोई कमी नहीं है, पेस की कोई कमी नहीं है, एक हाई टेम्पो गेम जो है इस समय चल रहा है लखनऊ स्वाम और हैदराबाद हुप्स के बीच में। तो यहां पे रिव्यू लिया है और इस लीग में ये नियम है कि आप 2 रिव्यूज ले सकते हैं, जैसा कि आपने बाकी प्रोफेशनल लीग्स में देखा होगा रिव्यूज़ में, या फिर आजकल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी रिव्यूज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है। वहाँ पर रिव्यू अगर आपका सक्सेसफुल हो जाता है तो रिटेन हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आपको 2 रिव्यूज़ मिलेंगे, लेकिन उसके रिटेंशन के लिए कोई नियम नहीं बनाया गया है। 67-63 का स्कोर है, लखनऊ के पास एडवांटेज है और रिव्यू के नतीजे का इंतजार है। दो रिव्यूज़, एक ट्रम्प कार्ड, ये कुछ नए रूल्स हैं जो इस लीग में इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और ट्रम्प कार्ड हालांकि पहली बार इस EPB प्री सीज़न में होगा, लेकिन बास्केटबॉल में भी
अगर बात करें तो कभी भी ट्रम्प कार्ड का इंट्रोडक्शन नहीं किया गया है और पहली बार ट्रम्प कार्ड का इंट्रोडक्शन किया गया है, इसलिए हम आपको बार बार इस नियम के बारे में ज़रूर बताना चाहेंगे कि आप एक ट्रम्प कार्ड ले सकते हैं पूरे मुकाबले के दौरान, जहाँ पे आप अपने खिलाड़ी पे ट्रम्प लगाएंगे और उसको 2 मिनट का समय होगा जिसमें वो अपने स्कोर को डबल कर सकता है, यानी अगर उन्होंने 2 पॉइंट्स लिए तो वो 4 हो जाएंगे उन 2 मिनट के दौरान, अगर उन्होंने 3 पॉइंट्स कन्वर्ट किए तो वो 6 पॉइंट्स हो जाएंगे। फिलहाल हम रिव्यू यहाँ लिया गया है, उसका इंतज़ार कर रहे हैं, उसके नतीजे का इंतज़ार कर रहे हैं। पृथ्वी के आगे किस तरह से रणबीर ने बॉल निकालने का कोशिश किया था, क्या वो वायलेशन था, ऑफिशियल नतीजे का थोड़ा सा और इंतज़ार हमें करना होगा। रणवीर इस बार बॉल के साथ आए हैं टीम के कैप्टन, लेकिन रिजेक्शन देखने को मिला है उनको डिफेंस द्वारा। फिलहाल बॉल का पोजेशन बना हुआ है और ये अटेम्प्ट कन्वर्ट होना ही चाहिए। रणवीर पहली बार रिजेक्शन देखा लेकिन उसके बाद 2 पॉइंट लेने में सफलता हासिल की। मनदीप सिंह जूनियर अंदर आने की कोशिश, पेंट में एंट्री की कोशिश, लेकिन वहां पर डिफेंसिव फाउल से बाल बाल बचे हैं वहां पर। एक बार फिर से वहां पर अजिंक्य आए बॉल के साथ में, रणबीर को उन्होंने पास दिया, उनके सामने गौतम है डिफेंस के लिए, लेकिन लॉन्ग रेंज शॉट उन्होंने काफी लंबा प्रयास किया है। मनदीप सिंह जूनियर ये आप उनसे नहीं छीन सकते, वो जितनी बार ऐसे प्रयास के लिए जाते हैं वो कन्वर्ट करके ही वापस आते हैं। बिश्नोई बस सेंटर तक बॉल पहुंचा दीजिए, बिश्नोई के हाथ अगर बॉल लग गई तो आपको पॉइंट जरूर मिलेगा। वही सेम चीज है मनदीप सिंह जूनियर की, मनदीप सिंह जूनियर का ये पास पृथ्वी के लिए, पृथ्वी बैक टू गौतम, वापस गौतम ने पृथ्वी को दिया है। एक बढ़िया बॉल रोटेशन की कोशिश की है, बाउंस पास और बोर्ड शॉट, ये एक अच्छा मूव था, ये एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी पूरी टीम के बीच में, कंबाइंड एफर्ट्स जो है देखने को मिले हैदराबाद हूप्स के इस मूव के दौरान। हिमांशु ने 3 पॉइंट्स के लिए प्रयास किया, कन्वर्ट किया और लखनऊ को पहुंचा दिया है 74 पॉइंट्स पर, 74-67 का स्कोर। हैदराबाद इज स्टिल स्ट्रगलिंग इन क्वार्टर नंबर 3।
74-67 का स्कोर है और हमने आपको बताया था कि ट्रंप इंट्रोड्यूस किया गया है इस लीग में और यहाँ पर समय आ गया है उस रूल को देखने का कि ट्रंप जो है यूज़ कर रहे हैं हैदराबाद हूप्स, जो कि उन्होंने मनदीप सिंह जूनियर को जो है आप देख सकते हैं ब्लैक बिप इस समय पहना है मनदीप ने, यानी वो ट्रंप हैं। अगर वो स्कोर करते हैं पॉइंट्स, अगर उन्होंने दो पॉइंट्स लिए तो वो चार हो जाएंगे, अगर उन्होंने तीन पॉइंट्स लिए थ्री पॉइंटर लाइन से तो वो छह हो जाएंगे। मनदीप सिंह जूनियर इस समय अपनी टीम के ट्रंप। लेकिन ये पॉइंट्स डबल तब होंगे सिर्फ और सिर्फ दो मिनट के समय में, यानी अब से जो दो मिनट का समय होगा उसमें मनदीप सिंह जूनियर के पास अपने स्कोर को डबल करने का मौका होगा। फिलहाल लखनऊ जो है बकेट के नीचे, यहाँ पे ऑफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट किया और कन्वर्ट भी किया। विकास ने पहले रिबाउंड कलेक्ट किया और फिर उसको कन्वर्ट करने में सफलता भी हासिल की। 76-67 रिवर्स फिगर्स में इस समय स्कोर है, कहाँ लखनऊ 76 पे और हैदराबाद 67 पर। आखिरी क्वार्टर, अंतिम क्वार्टर और इस समय दो मिनट का समय, जो कि मनदीप सिंह जूनियर टीम के ट्रंप इस समय बॉल के साथ में है। थ्री पॉइंटर लाइन से अटेम्प्ट किया है, कोई कन्वर्जन नहीं मिला है। अपने इन कीमती दो मिनट को वो पूरी तरह से यूटिलाइज करने की कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए कि आप पहले बॉल पोजेशन लाइए। फिलहाल आपके पास पोजेशन नहीं है, ये दो मिनट जो है आपके वेस्ट नहीं जाने चाहिए। हिमांशु थ्री पॉइंट, चलिए मनदीप को मौका ना मिला हो, उनका कन्वर्जन ना हुआ हो, लेकिन उसका जवाब दिया है लखनऊ ने। मनदीप इस समय पेंट के अंदर आए, फाउल लेने में सफल हुए हैं। बॉल पोजेशन फिलहाल इस समय हैदराबाद हूप्स के पास, पेंट के अंदर एंट्री की, अनब्लॉक तो की है, अटेम्प्ट किया है, कन्वर्जन की कोशिश की है, फाउल निकालने में कामयाब हुए हैं। मनदीप सिंह जूनियर फ्री थ्रो लाइन पर। ये पहला फ्री थ्रो कन्वर्ट कर लिया है हैदराबाद ने। हैदराबाद हूप्स के ट्रंप इस समय फिलहाल फ्री थ्रो लाइन पर हैं, मनदीप सिंह जूनियर। तो हैदराबाद हूप्स जिनके ट्रंप ने अभी एक फ्री थ्रो कन्वर्ट किया और वो पॉइंट हो गए दो, यानी कि एक और फ्री थ्रो कन्वर्ट किया है और अब स्कोर उन्होंने पहुंचा दिया है 71 पर। बिश्नोई समय बॉल के साथ में अजिंक्य को पास दिया है, टू ऑन वन वहां पर अजिंक्य के ऊपर, बिश्नोई एक बार फिर से आए, फाउल निकालने की कोशिश और कामयाबी भी हासिल की, लेकिन अभी ऑफिशियल ने अपना डिसीजन नहीं दिया है। वहां उन्होंने अपील जरूर की है कि ये फाउल है, मुझे फ्री थ्रो लाइन पर जाने का मौका मिलना चाहिए, क्या वो रिव्यू लेंगे। जी हाँ, वहाँ पे रिव्यू के लिए इंतज़ार करना होगा, रिव्यू लिया है वहाँ पर लखनऊ ने।
यहाँ बिश्नोई, उनके ऊपर थे मुकुंद और पीछे से काफी कोशिश थी, लेकिन काफी दूर थे वो बिश्नोई से, बहुत ही ज्यादा दूर थे, लेकिन आगे मनदीप भी उस पेंट में थे। रिव्यू सक्सेसफुल और लखनऊ के पास मौका फ्री थ्रोस का, बिश्नोई के ऊपर फाउल हुआ था और उसके चलते उनको मौका मिला है फ्री थ्रोस लेने का। पहला फ्री थ्रो उन्होंने मिस कर दिया है। दोनों फ्री थ्रोस उन्होंने मिस कर दिए और हिमांशु ने कन्वर्जन का अटेम्प्ट लिया। चलिए, उन्होंने जवाब दिया है यहाँ पर, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे, दो पॉइंट्स लेकर ही जाएंगे। मनदीप फाउल निकालने की कोशिश कर रहे थे, 79-71 लखनऊ अभी भी 8 पॉइंट की लीड पर है। मुकुंद इस समय फ्री थ्रो लाइन पर हैदराबाद हुप्स के लिए। अजिंक्य बिश्नोई तो यहां पर मनदीप सिंह जूनियर, जो कि ट्रंप थे हैदराबाद हुप्स के लिए, उनके 2 मिनट की समाप्ति हो चुकी है और उन 2 मिनट्स में उन्होंने 2 फ्री थ्रोस कन्वर्ट की थी, यानी 4 पॉइंट्स अपनी टीम के लिए लिए। उन्होंने प्रयास जरूर किया था, 2 बार उन्होंने 3 पॉइंटर्स लगाने की कोशिश की, 2 बार उन्होंने 2 पॉइंट्स यानी लेप के थ्रू लेने की कोशिश की, लेकिन वो कन्वर्ट नहीं हुए। आखिरकार 4 पॉइंट्स उन्होंने अपनी टीम को दिलाए इन अपने 2 मिनट में। बिश्नोई एक बढ़िया ड्रिबलिंग, एक प्रॉपर बॉल हैंडलिंग और उसके बाद में ये बकेट, नाना करते करते आखिरकार वो बॉल बास्केट में चला ही गया और ये 2 पॉइंट मिले हैं हैदराबाद हुप्स को। यानी अब अपने डिफेंस को कम करने की जो कोशिश है उसमें थोड़ी सी कामयाब होती नजर आ रही है हैदराबाद हुप्स। बिश्नोई चलिए फाउल निकाल लिया। हम
हमने पहले भी इसी बात का जिक्र किया था कि वो जो एक्सपीरियंस उनके पास में है, उस एक्सपीरियंस के खिलाफ खड़ा होना टफ होगा हैदराबाद के लिए। बिश्नोई पिछले दोनों फ्री थ्रोज उन्होंने रिव्यू के बाद गवा दिए थे और एक बार फिर से उनको मौका मिला है फ्री थ्रोज का। चलिए इस बार कन्वर्जन, पहला फ्री थ्रो उन्होंने अपने नाम किया है। दूसरा मिस किया और यहां पर कन्वर्जन का मौका था रिबाउंड कलेक्ट करने के लिए। बिल्कुल बकेट के नीचे खड़े थे, बिल्कुल रेडी थे। पूरी तरह से डोमिनेट करती नजर आ रही है इस समय लखनऊ हैदराबाद को। एक बढ़िया रिबाउंड कलेक्शन, बाउंस पास, तेजी से रणबीर ने वापस पास दिया जिंका को और ये एक बढ़िया शॉट। लीड को काफी स्ट्रेच करती जा रही है इस समय लखनऊ स्वांग, जो कि 86 पॉइंट्स उनके हैं, जबकि हैदराबाद हूप्स इस समय 74 पॉइंट्स पर। जो तीसरा क्वार्टर था वो काफ़ी लो स्कोरिंग रहा है हैदराबाद हूप्स के लिए। हालांकि पहले क्वार्टर में उन्होंने लीड हासिल की थी 4 पॉइंट की, फिर दूसरे क्वार्टर में भी उन्होंने मेंटेन किया उस बढ़त को, लेकिन तीसरे क्वार्टर में पूरा डोमिनेट किया है लखनऊ ने। सोलह पॉइंट्स लिए थे तीसरे क्वार्टर में हैदराबाद हूप ने, जबकि 26 पॉइंट्स लिए थे लखनऊ स्वाम ने। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्वार्टर नंबर 3 किस तरह से बहुत ही शानदार रहा है लखनऊ के लिए। तो चौथा और अंतिम क्वार्टर इस मुकाबले का, जो पिछला मुकाबला हमने देखा था दिल्ली डोमिनेटर्स और चंडीगढ़ कॉन्करर्स के बीच में, वहां पर आखिरी के सेकंड में एक पॉइंट के डिफरेंस से दिल्ली ने जीत हासिल की थी, लेकिन यहां पर लीड काफ़ी बढ़ती जा रही है लखनऊ की। हैदराबाद को चाहिए कि वो अब इन आखिरी क्वार्टर के कुछ आखिरी क्षणों में लॉन्ग रेंज शूटिंग अटेम्प्ट करें, थ्री पॉइंटर्स के लिए प्रयास जरूर करें और डरे ना, क्योंकि आपके पास है मनदीप सिंह जूनियर। पृथ्वी समय उन्होंने पास दिया है, पृथ्वी ने प्रयास तो किया लेकिन कोई कन्वर्जन नहीं। हैदराबाद हूप्स की बॉडी लैंग्वेज काफ़ी चेंज हो गई है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अप करने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके विपक्षी के पास एडवांटेज है। पृथ्वी अंदर आए, बाउंस पास गौतम के लिए, कोई कन्वर्जन नहीं। गौतम ने वापस ऑफेंसिव रिबाउंड कलेक्ट किया है, मुकुंद अटेम्प्ट लेते नजर आए। चलिए अगर आप पेंट में कुछ ऐसे अटेम्प्ट लगातार करते रहेंगे तो कम से कम आपको फ्री थ्रोज के मौके तो आपके लिए बनेंगे। आप ओपोनेंट को इनवाइट कर सकते हैं कि आप गलती कीजिए, ताकि आपकी गलती का मौका, आपकी गलती को कन्वर्ट करने का मौका जो है वो हमको मिले। एक और फ्री थ्रो मुकुंद के लिए, प्रेशर, वो दबाव जो है वो साफ नजर आने लगा है हैदराबाद हूप के ऊपर, क्योंकि विपक्षी के पास एक तो एडवांटेज है और अब जिस तरह से लखनऊ ने कंट्रोल बनाया हुआ है इस क्वार्टर में, उसे तोड़ पाना थोड़ा सा मुश्किल नजर आने लगा है। वापस लिया है, चलिए मनदीप, आखिरकार बड़ी देर बाद उनके हाथों बॉल लगी है,
राजन वापस मनदीप, मनदीप को फीड करना होगा इस समय, मनदीप को फीड करने की जरूरत है। आपके पास इतना स्ट्रॉन्ग प्ले मेकर है, उसे फीड कीजिए। वो कन्वर्जन रेशियो जो उनका है आज इस मुकाबले में वो काबिले तारीफ है। बस थोड़ा सा उनको सपोर्ट करने की जरूरत और आप यहाँ पर अपने डिफेंस को कम कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम आउट और हैदराबाद हूप्स के लिए टाइम आउट काफ़ी इम्पोर्टेंट हो सकता है, क्योंकि थोड़ा सा अपनी स्ट्रेटजीज को चेंज करने की ज़रूरत है। आपके विपक्षी के पास में बढ़त है, हालांकि बास्केटबॉल कोर्ट में ये जो लीड है वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है। दो थ्री पॉइंटर्स के लिए आपने अटैम्प्ट ले लिए, कन्वर्ट कर लिए, तो आप आगे निकल सकते हैं। डिफरेंस को जल्दी कवर अप कर सकते हैं। 86-78 क्वार्टर नंबर 4 लखनऊ वर्सेस हैदराबाद। About 6 minutes to go there now. 86-78, that's been the story so far. Hyderabad, they were leading, playing really well. We saw a sea of blue, but suddenly we had the men in green come back, and they've come back really well. Ranbir this time with that power. The captain, Ranjan, strikes there from the team in blue. We'll try and come back as soon as possible. Remember, we saw that the Hyderabad hoops couldn't really make the most of the opportunity. And there it is. We have the head coach, Mr. Zoravar. He says, trump card, it's time to play the joker. And he's played it on his main man, Ajinkya Mane. So Ajinkya looks all set. He understands that this is the time. You don't want to try and accelerate, try and pace things up. The team looks in good form. They're getting good amount of points. And he's going to bank on this good run here. 86-78. Ranbir will come in with an inline throw-in. Straight away to Ajinkya. The trump card here, the man in white. Looking for a three-pointer, very close. Remember, if he does get those three, it gets converted to six straight away. Words exchanged there from Mr. JP Singh, the head coach. Lots to talk about. And he's always animated. He always has things to say. Meanwhile, put the red deer. 78-86. Good passing, they're keeping it slow. This is the strategy that we saw in the last quarter as well. One thing that they're doing consistently is not allowing the main man to keep the ball. You know, that's exactly what Lucknow Swarms did. They held possession, they tried and wasted those 2 minutes as much as possible. Didn't let the opposition get the ball to Mandeep Singh. Meanwhile, they were successful. Good pass there, good assist from Prithvi, and great conversion from Ranjan. They move on to 80 now. The Hyderabad Hoops just 6 points away. But remember, they have the trump card that's currently been played, and the game can change at any time. Bishnoi taken out there by Kola Gautam. A foul that's been called against him. And Gopal Ram then, just that exchange of words, good banter between the two players. Small switch then, Vinay Kothari, he will be taken off. And we're looking at a new man that's going to be coming in here. For Team Lucknow, Manshu. You know, Vikash is also on the court. Ranbir Singh straight to Ajinkya Mane. Mane going in for the three-pointer. Successful. That is 6 points here for Ajinkya Mane.
and that's the reason he's been awarded the trump card, the trump player. Prithvi Reddy, three-pointer for him as well. It's a reply and a befitting one. 92-80, 12-point gap. Prithvi Reddy all over Ajinkamani. Mandeep Singh. They're appealing there for an inline throw-in. Yes, says the official. You can see the men in blue, they're trying to man-mark Ajinkya Rani as much as possible. He's not able to get the dribbles. He screened him completely. 92-83. Here we go once again. Prithvi Reddy. Taking his time. Not in a hurry whatsoever. Mandeep Singh. Form has dipped a little in this quarter. Great interception once again. Good on the defense. Ajinkamani. He is looking as strong as ever. This is great basketball here. Mandeep Singh once again with an interception. Bishnoi, aka Gopal Ram. And points will finally come on the rebound. They're showing the aggression there. Kola Gautam. He's another young gun amongst the scheme of things. 85-92. They're coming in close. They have to try and stop Team Lucknow. And that's about it then. That's the end, I'm assuming, of the trump card, which is the end of 2 minutes for Ajinkamani. Remember, the game will still continue. There's lots of action still to come. Now it is 85-92. 3 minutes, 15 seconds still to go. Mandeep. Trying to dribble. Not quite easy. He has company there. Man-marking at its best here from Lucknow. Mukund has also been denied. Ajinkamani is now running the riot. He loves marshalling his troops. And are they going to receive the basket? No, they're not. A little bit of hesitation, a little bit of miscommunication there for the men in blue. Mandeep Singh, Rajan, Prithvi Reddy, and Mukund. They have to try and get their act together. Remember, they have a very good team, great set of players. Praveen's on the bench. A few substitutions compared to Team Lucknow. Team Lucknow made the most of the bench. And now things not working out for them. Still have 9 points to cover. Straight to Mandeep, who goes down. And that's, let's wait and see if a free throw is going to be awarded here. Mandeep Singh having a word with the official. He really wished it was a foul and was awarded to his team, which has been done, in fact, but not for the foul on Mandeep, I assume. It's Kola Gautam who will benefit from this. 94-85, and a chance for Kola Gautam to bag a basket. Completely off target, no concentration whatsoever. Another opportunity. Gets a try this time, one in the kitty. It's not really going to help the Hyderabad Hoops. There are lots of work to do. We're entering almost the end of this game and the quarter. Ajinkamani straight to Vikash. Strongest man there. Ranveer Singh. Good rotational pass. Right in the center. We'll miss it this time. Ranjan. Ajinkamani. He's going to take that very easy. Lucknow Swarms. They're looking strong. Kola Gautam once again. Hasn't looked that great here. Ajinkamani. He's been the star. What an assist there from Mane. What a finish from Bikas. This is absolute brilliant basketball. Move on to 96 here. And that takes him to 98, the point before this. Once again, Bikas. Waiting for company. They're taking it light. Bishnoi has been denied. Remember, not quick at his reflexes. Ranjan on the other side, very tough, very fast.
So it's 1986. And won't be surprised if we look at 100 points today as we begin the preseason in the Elite Pro Basketball League. Remember, this is the second match that we're looking at. We still have one more game to come. That's going to be played between the Bengaluru Stallions and the Chennai Tobos. We also have the opening ceremony. Great artist lineup. We have lots of them coming in. DJ Mortal, Raga. There are some of the top names that will be performing here today. So the action is still to come. 98-86. Stay tuned as we come back to live action in a matter of a few seconds. Don't worry. Completely turned the tables here for themselves. The way they started, it looked like Team Hyderabad had the quality. But heading into the third set and then the fourth, we saw something brilliant unleashed. That's Lucknow, that's Bishnoi, the legend there himself. Not to mention, age is just a number. Great movement. 100 to 86. Finally, we've got an opportunity. And I wouldn't be surprised, like I said. 100 points have come up here for Team Lucknow. Hyderabad at 86. A timeout here taken by Mr. Zoravar, the head coach. He wants to speak to his boys. Still thinks there is a chance. 14 points still to cover. 86 or 200. There's lots that can be done and should be done as well. Remember, JP Singh and Zoravar, the two top names in the basketball circuit in terms of coaching. Lots of experience. They're a package in themselves. They have the energy. And they really like to drive the game with their basketball ethics. Remember, Mr. Zoravar has just come in yesterday. He just got to manage that one training session with his boys on the other side. But Mr. JP Singh, he got two very good sessions with his boys. And they had lessons. They had some strategies that had to be executed, and currently then we're looking at some of them being played on the court. 100 to 86. Prithvi Reddy did not get that three-pointer. Here we go once again, Ranbir Singh. Straight away to Himanshu. Tries to get to Bishnoi, also known as Gopal Ram. That's the real name there for Mr. Gopal. He wants to be called Bishnoi on his t-shirt. Prithvi Reddy still has a smile, even though they're not winning. They're trailing by a margin. Praveen Kumar comes back in, and straight away, three-pointer for Praveen. He looks fresh. And if he has to convert, he'll need many, not more. He'll need a basket of points. Ajinkya Mane will not allow that. Still keeps it on the rebound. And great interception by Praveen Kumar C. Ranbir Singh. Straight to Bishnoi. Gets those two more points. This is good stuff here. Trying a three-pointer, Praveen. Not quite successful. Kurla Gautam. Finally on the rebound. It's not going to help Team Hyderabad Hoops. 91 to 102. And it's the Lucknow Swamps that have really played well and triumph against the Hyderabad Hoops. Massive game, massive encounter. And remember, we have still one more game coming after this and the opening ceremony. Stay tuned as we are going to bring you live action for the Elite Pro Basketball League preseason.